दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमीत घोष और आज जो मोटरसाइकिल मैं चला रहा हूं ये है 2019 ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन। कंपनी बोलती है कि उसने इसके पावर को 18% इंक्रीज किया है और बाइक में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी आए हैं। तो ये वीडियो देखते रहिए और कहीं मत जाइएगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस मोटरसाइकिल के बारे में। भाई शुरू करते हैं फ्रंट एंड से बाइक की। तो आप सबसे पहली चीज जो नोटिस करेंगे वो है इसको मिलती है ये राउंड बेसिक सी हेडलैम्प यूनिट जिसमें हैलोजन बल्ब फीचर करता है ये, और DRL के लिए भी एक छोटा सा हैलोजन बल्ब है। वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है कुछ बाइक्स के लिए बिकॉज 2019 आ गया है और मोस्ट ऑफ द बाइक्स जो लॉन्च होते हैं वो एटलीस्ट एक LED DRL के साथ लॉन्च होते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसको मिलता है ये अपडेटेड मिरर्स जो जिसमें बहुत कम वाइब्रेशन है और पीछे का बहुत क्लियर व्यू देता है आपको ये। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये एडजस्टेबल क्लच और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स मिलते हैं। नाउ इसको एडजस्टेबल क्लच लीवर था पहले से, इसको अब नया ये एडजस्टेबल ब्रेक लीवर मिला है। तो सामने से एक चॉप टॉप फेंडर मिलता है और ये अपडेटेड 41mm फोक्स। ओवरऑल गाइज सामने से बाइक में बहुत कुछ नहीं है बट ओवरऑल बाइक बहुत क्लासी लगती है। तो जी हाँ दोस्तों ये है इंस्ट्रूमेंट कास्टर स्ट्रीट ट्विन का, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब इसको बॉनोविल रिटर्न मिलता है यहाँ पे ऊपर जो पहले नहीं मिलता था, और ये एक डिजिटल प्लस एनालॉग स्पीडोमीटर है जिसमें आप देख सकते हैं स्पीड के लिए एनालॉग है और बाकी एक छोटा स्क्रीन है। तो इसको स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी टेलटेल लाइट्स हैं यहाँ पे पीछे जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, और ये जो स्क्रीन है यहाँ पे इसमें आप बहुत कुछ देख सकते हैं जैसे कि ओडोमीटर है, 2 trip meters हैं, डिस्टेंस टू MT, कितना किलोमीटर आप चल चुके हैं, और आपको टाइम बताता है ये, RPM है, ट्रैक्शन कंट्रोल जिसको आप ऑफ कर सकते हो अगर आप माइल्ड ऑफ रोडिंग कर रहे हो। प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको मिलता है ये रोड लिखा हुआ, तो इसमें बेसिकली ये एक और अपडेट है इस बाइक का कि इसको 2 riding mode दिए गए हैं, एक रोड है और ये देखिए और ये है रेन। तो बेसिकली रोड पे चलाई क्योंकि रेन में थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं ये इंडिकेटर जो कि आपको बताते हैं कि इंडिकेटर ऑन है, न्यूट्रल लाइट, और ये एक हाई बीम लाइट मिलता है आपको। तो ओवरऑल दोस्तों ये था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बॉनविल स्ट्रीट ट्विन का, और काफ़ी बेसिक है लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा हेल्प रीड आउट करता है ये। तो आइए अब बात करते हैं बाइक के साइड प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाइक साइड से काफ़ी सिंपल है, काफ़ी छोटी है ये बाइक, स्पेशली एक पर्सन के लिए जो कि 6 feet के ऊपर है उसकी हाइट। जैसे मैं हूँ, मैं 6 feet 2 inches का पर्सन हूँ, और मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि ये बाइक थोड़ी सी छोटी है, बट एक बार आप इस पे बैठते हैं और आप चलाना चालू करते हैं आपको बिल्कुल फील नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो ये है दोस्तों 900cc का एक हाई टॉर्क इंजन, जैसे कि मैं भी बोल रहा था कि ये ट्रायम्फ ने इसमें 18% पावर इसका बढ़ाया है। तो अब ये प्रोड्यूस करता है 64 bhp, पहले ये 54 bhp प्रोड्यूस करता था, अभी 64 bhp प्रोड्यूस करता है और 80 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है सेम इंजन से, और ये मेटेड है एक 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स से। तो ओवरऑल दोस्तों इंजन काफ़ी स्मूथ है और बहुत रिफाइंड इंजन है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है ये चला के सिटी में। और बात करते हैं इस सैडल की, तो ये सीट जो है काफ़ी कुशनी है और काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है दोस्तों, और पिलियन के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है ये। अगर आपको चाहिए तो आप ट्रायम्फ के डीलरशिप से इसका एक बैकरेस्ट ले सकते हैं, उस बैकरेस्ट को लगाने के बाद आप लॉन्ग राइड पर, मतलब किसी भी लॉन्ग राइड पर आप जा सकते हैं बेझिझक। और इसको मिलता है यहाँ पे एक LED टेल लैंप यूनिट और एक चॉप टॉप फेंडर। पीछे देखिए फेंडर यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। ये बोथ साइड जो एग्जॉस्ट लगे हैं ये काफ़ी क्लासी हैं, और इसको मिलते हैं ये नए एलॉय व्हील्स, आगे लगा है 18 inch का, पीछे लगा है 17 inch का, दोनों में पिरेली टायर्स हैं, ग्रिप लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल दोस्तों बाइक काफ़ी अच्छी है। इसको मिलता है एक नया पेंट स्कीम, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैंक पे इसको ये नए फॉन्ट में ये जो स्ट्रीट ट्रिपल लिखा है ये भी नया है, साइड पैनल के कलर्स भी नए हैं, ये मैट में है अभी। और मैं बात कर रहा था सैडल की, तो आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ बाइक पे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आप जब बाइक पे बैठेंगे तो कितनी अपराइट पोजीशन है राइडर की, और फुट पेग्स और हैंडल थोड़ा सा पीछे की तरफ स्वेप्ट है और फुट पेग एकदम सही जगह पे है, तो आपको एक अपराइट पोजीशन मिलता है, आप टायर आउट नहीं होगे चाहे आप कितनी लंबी राइड पे भी चले जाएं। तो जी हाँ दोस्तों ये था स्ट्रीट ट्विन का साइड प्रोफाइल, और मेरे को ये बाइक बहुत अच्छी लगी है, काफ़ी कूल लुकिंग मोटरसाइकिल है ये। तो जी दोस्तों ये थी 2019 ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन, और ये मोटरसाइकिल आप खरीद सकते हैं 980,000 रुपये ऑन रोड पे।
जो कि ट्रायम्फ की एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है। आई होप हम लोगों ने मोटरसाइकिल अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। अगर आपके मोटरसाइकिल के बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और हम लोग आपको उसके बारे में और बता देंगे। तब तक के लिए मैं प्रोमित साइन आउट करता हूँ, मिलता हूँ अगली बार।